अरे क्या तुम्हारा स्काई बेबी जा रहा है? देखो स्काई भी है गाड़ी में, हमारी चाहत स्काई भी जा रहा है और नहीं टिफिन जा रही है, हम जा रहे रामनगर होम टाउन। ये देखो 7 ही बज गए, 6:30 बजे सोचा था निकलते ही निकलते, टाइम तो लग ही जाता है। तो ये देखिए निकल रहे हैं, मुझे पता नहीं, स्काई इज एंजॉयिंग। इतना गर्मी लगती है ना, ये वाला जो डॉग है ना, क्या बोलते हैं इसको, हस्की स्पीशीज होता है ना, ये बर्फ में होता है, स्काई बेबी हमारा। तो देखो कैसा मुंह ना उसके अंदर, बिल्कुल मुंह उधर ऐसे, अपना जो गर्दन है ना, गर्दन वाला हिस्सा बस उसके आगे से नहीं हट रहा है, ये बड़ा चालाक है, इसको तो बहुत गर्मी लगती है। लो जी दर्शन कर लीजिए आप लोग गढ़गंगा के नीचे, गंगा माता, गंगा मैया बह रही है, ये देखो बह बह के कह रही है। और ये देखो लोगों की भीड़ इस तरफ, देखा ट्रैफिक लोगों का, सब आ रहे हैं पूजा करने, स्टार्ट हो रहे हैं ना नवरात्र। देखो ये देखो बहुत भीड़ है और ट्रैफिक बहुत मिला, हमें परेशान हो गए आज हम। यहाँ थोड़ी सूखी पीछे था पानी, यहाँ का तो आगे आगे थोड़ा ड्राई हो गया पानी, बस लोग लगे पड़े हैं मुक्तेश्वर गढ़गंगा जाने के लिए, पूजा के लिए। ये देखो कितना ट्रैफिक है, देखे इस वाली गाड़ी में आया हम, मैं अंदर जा रही हूँ वॉशरूम बॉय, अब एंट्री हो रही है, ये रहा बड़ा फेमस है, ये बहुत ध्यान रख रहे हैं, पूरा एहतियात बरत के जाना। ठीक है, और ये मैंने कर लिया था वॉश, सैनिटाइज कर लिया था, अंदर आ गया। कहाँ है जाने के पापा? एसी के सामने बैठे, एसी के सामने बैठो, थोड़ा सा इस तरफ बैठे, थोड़ा कम आएगा, एसी चल रहा है ना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को बैठना। नॉर्मल है, मैंने कहा था ना कल क्रश हो गया, तो ठंडी चार किसका पूरा क्रश हो गया कल, नॉर्मल हो गया, सब लोगों ने आना शुरू कर दिया। तीन लोग हैं, लोग तो बहुत है, पहले आप नॉर्मल आगे सिंपल सा दाल तड़का, दाल तड़का और पनीर पराठा, आधा आधा वो खा के बस निकलते हैं, सिंपल सिंपल खा रहे गले की वजह से भी। कोई भी नहीं है रात को, वो लंच टाइम, लंच क्या ब्रेकफास्ट ही समझ लो ना, अभी 10:30 हो रहे हैं, 11 है ना, 11 हो रहा है। अरे भैया गढ़गंगा में बहुत देर लग गई भाई लोगों, फ्रेंड्स लोगों, सब्सक्राइबर्स मेरे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो कल से नवरात्र शुरू है ना, और आज स्नान करेंगे लोग और दिया जला के घर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे, बहुत भीड़ थी गढ़गंगा में, और हमारा मतलब 1-1.5 घंटा लेट हो गया, इसी चक्कर में जैम मिला बहुत। और हम यहाँ मोगा आए हुए हैं खाने के लिए, यहीं पे खाते हैं हम, बहुत अच्छे इनके पराठे वगैरह, दाल सब्जी बहुत अच्छी है, साफ सफाई बड़ी है। और सबसे बेस्ट बात है इस रेस्टोरेंट की कुल्हड़ वाली चाय, इतनी रिफ्रेशिंग है ना, क्या बताऊँ गाइस, कितनी भी थकान होगी दूर हो जाएगी, मजेदार चाय, A1 चाय।
आगे खेत यार उनको बोल स्काई महाराज ने गर्दन बाहर निकाली हुई है, दो मिनट बाद बड़ा कौन सा ऑक्सीजन ले रहा है पूरी अच्छे से वो है स्काई ऑक्सीजन ले रहे हो गांव के क्या है मैं गली के अंदर आ गए गली रिंग रोड है ये सड़क घर की हरा ही हरा जी पम्मू की दुकान लंच के लिए बंद है सवेरा डिपो यहाँ से राइट स्काई मुआयना कर रहा है खेतों का बस सब हमारा घर अंदर आने वाला है लेफ्ट ने अपने अपनी रोड नहीं बनाई ढंग से काफी टूटी हुई है देवदार के पेड़ भी है कितने बड़े बड़े फ्लावर्स कितने सुंदर आ रहे हैं रेड वाले वैसे जंगली है जापानीज का एक अकेली औरत ने मिलकर के अपने पूरे ये हमारे बिस्ट ट्रक खड़े हैं बिस्ट उधर बिस्ट ये भी बिस्ट ट्रक है बिस्ट ओहो बिस्ट जी ने वो डाल दिया स्काई बहुत एंजॉय कर रहा है गांव में ये आम के पेड़ है सारे इस बार इन्होंने आम के पेड़ है अपना वो कर ही दिया घने जंगल आम पिलर्स लगाई दिए इस बार इन्होंने नहीं तो पहले ये ओपन होते थे पूरे घना जंगल है अंदर आम के पेड़ ही पेड़ ये पूरा आम का पेड़ बस ये हमारी अपनी अंदर इंटरनल रोड आ गई यस हमारा गेट आने वाला है इधर खेत है ये हमारे खेत शुरू हो गए जी ये हमारे जी साहब की बिल्डिंग है ये हमारे खेत है जी ये हमारी गाय है अभी बाहर शेड में हवा खा रही है ठंडी ठंडी हवा खा रही है अंदाजा लगा एक जेई इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है कितनी ईमानदारी से काम किया होगा और ये हमारा घर आ गया इन्होंने पूरा साफ कर दिया जरे ठीक कर दिया क्या करती है बोली कटेगी कैसे ने? जगह नहीं है गांव का वो गौशाला है वो अभी बंद है अभी बाहर शेड पे रखे ये चारा काटने का मशीन है और ये हमारा गेट है जी मैं जाता हूँ मैं और बहू बहू आ रही है हमारी रेनू जी गेट खोले और वो हमारे डॉगीज रहे न्यू डॉगी ये देखो काली भौंक रही है जोर जोर से खड़ी है सेंटर हमारी ये हमारा घर ऊपर रूम ये पूजा घर ये मेन घर वो ड्राइंग रूम उधर से ड्राइंग रूम उधर खोलने वाला घर डॉगीज बहुत ज्यादा हमारे डॉगी को देख के भौंक रहे हैं बाहर का दरवाजा खुला है छोड़ दे इसको ये यहीं पे खेलेगा इसको चलो
हमारा टी सेशन चल रहा है। मेरी तो चाय में जरा मीठा ज्यादा है, मैंने कहा तो बिल्कुल वैसी बना के ला। और ये हमारा स्काइप को तो जीने नहीं दे रहा, वो हमारे रॉकियर वो वही वाली बात। और ये रहा हमारा हन्नू और ये मेरी देवरानी उसका पोता और मेरा भी पोता। तो अभी बड़े बेटे की भी है, छोटे की बात चल रही है, उसकी भी शादी हो रही है। तो मेरा हन्नू है, बहुत प्यारा बच्चा है, वेरी नाइस बॉय, बड़ा ओबीडियंट बच्चा है। तो काम भी करता है, इसको काम भी करना आता है, घर का अच्छे से करता है, बहुत ही अच्छा है सच में। ये क्वालिटी है इस कुत्ते की, मान ली मैं। स्काई बहुत बढ़िया, अपना आराम से खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्काई इज रिलैक्सिंग, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हनी का सो गया, थक गया ना तब से। हाँ ये देखो फॉग, देखो शाम को। और ना सुबह अगर उठेंगे ना, जब धूप होगी तो सामने पहाड़ियां नजर आएंगी, साफ क्लियर क्लियर कट। और इस समय देखना ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, या तो इतनी तेज बारिश हो रही है, बारिश तो नहीं है, फॉगी है, चारों तरफ फॉग है, पूरा फॉगी फॉग। और ये रहा हमारा नीचे का बगीचा, थोड़े से वो लगा रखे हैं, काफी सारे गमले गुमले साइड साइड में, दीवारों के साइड साइड में पौधे वगैरह लगा रखे हैं। आम का है पेड़ है, और बहुत बड़ा ये विशाल पेड़ है। और लेफ्ट साइड में हमारा अमरूद, ये देखो थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए, दो बार ही लगते हैं ना, नवंबर में और मई जून के महीने में लगते हैं, थोड़े से गर्मी में लगता है, एक बार ही सर्दी। ये देखो थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, जो मुझे दिखा तो ये मैंने दिखा दिया, आम का पेड़ सॉरी अमरूद का। और अमरूद के पेड़ के साथ ही हमारा कटहल का पेड़ है पहले, और उसके साथ में बगल में है आम का पेड़, और ये शायद नींबू है, ये कटहल का पेड़ है ये वाला। हाँ दिस पर्टिकुलर इज कटहल का पेड़। तो एक साल लगते, एक साल नहीं, इस साल नहीं लगे, अगले साल लगेंगे, उससे पहले साल लगे थे, इस साल नहीं लगे, एक साल बाद एक साल फल देता है ये ना कटहल का पेड़। ऐसे बोलते हैं जैसे वो बता रहे थे, मैं बता रही हूँ। खड़ी है हमारी गाड़ी सेंट्रो, इसका भी सौदा करना है, खड़े खड़े गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, एक पहले भी बेची दूसरी वाली इको, एनीवेज क्या बताएं। और ये हमारा विशाल पेड़ बहुत पुराना है, हो गए इसको 40-45 साल, इस पेड़ को अंदर ही कर लिया हमने, ये खेत का खेत शुरू हो जाते थे ना यहाँ से। यार ये नींबू का पेड़ है, नींबू लगते रहते हैं इसमें, मतलब अपने घर के खाने के लिए लगते हैं, आठ दस तो लगते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, उतने नहीं लगते कि लेके जाया जाए और किसी को दिया जाए। और इसके साथ ही आगे हमारा उनका पेड़ है, क्या कहते हैं करी, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम ही नहीं है, शिवजी भगवान जी को जो चढ़ता, बेलपत्र, बेलपत्र का पौधा। और उसके साथ ही बगल में है बहुत सारे नारंगी, और ये छोटा सा मंदिर है हमारा घर के वहाँ। तो ये नारंगियां काफी अच्छी लगी थी, लेकिन कच्ची कच्ची थी, कोई आठ सात आठ ही, ज्यादा नहीं, आठ दस ही तोड़ पाए, नहीं तो वो कच्ची थी अभी, उनको तोड़ना ठीक नहीं था, फिर वो खट्टी खट्टी वैसी नहीं खाई जाती। और ये पीछे हमारा बैक साइड घर के, ये उसको थोड़ा दीवार कर दिया, केले का पेड़ जो मेन था एक बहुत बड़ा, वो तो ठूट बड़ा बड़ा जो था ना, वो तो काट दिया था कि अब नया आ रहा है। और पीछे पशु का रूम है जहाँ पशु रहते हैं, पशु घर हमारा, गाय वगैरह रहते हैं, तो गाय ही है बस, भैंस तो नहीं है, तो उनके लिए है ये बना हुआ। और थोड़ा सा जो पता नहीं क्या भूसा वूसा या थोड़ा वो इसको वो कर रहे हैं, थोड़ा सा जलाया है हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कूड़ा को जला दिया, कूड़ा करकट। तो इस तरह से ये एक छोटा सा घर है हमारा, ये रास्ता है हमारा। और मैंने गेट दिखाया था जाते समय, जो भी पहले ब्लॉग में इसी में देखा होगा, अरे गोबर गैस का वो, ये बोले जा रही करी पत्ता, खेत है, खेत में मजदूर लगा रखा है काम करने, पता नहीं मेरे को तो अच्छा टमाटर का खेती है। हाँ बोल रहे थे टमाटर का, पता नहीं क्या करना, तो टमाटर लगा रखे पर दिख तो रही नहीं मुझे, देखूंगी भी पूछूंगी इनसे, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। और ये पता नहीं क्या है, ये भी कुछ है, फोटो खींच के ना अंदर से पूछ के बताऊंगी, मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं। ये कुछ है, ये कुछ अनाज है, ये उग रहा है,
मैं पास से दिखा रही थी, ऐसा है। आप तो पहचान पाएंगे जिनको नॉलेज होगा। ये टमाटर है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है, यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है ये वाला। ऐसे काफ़ी सारे खा चुके ये लोग, अभी और दोबारा हो रहा, पता नहीं कितनी बारी आप कर सकते हैं, उगा सकते हैं, मुझे नॉलेज नहीं, पूछूंगी। यहाँ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देखा। और लीची के पेड़ आगे लगाए थे 150-200, उसमें से 7-8 ही रह गए। वो देखो बेल पत्थर का भी दिख गया थोड़ा सा, है ना, बेल पत्थर। ये कितना बड़ा बेल पत्थर है, और ये देखो नारंगी तो झुकी हुई है, इतनी नारंगी कौन खा रहा है। अगर ये जब पक जाएंगी आएंगे, बहुत सारी हो रखी इस तरफ तो बाहर गेट के बाहर, पर ये खेत है हमारा, ये बाउंड्री है, तो ये हमारे खेत हैं बस शुरू, तो हमारा ही हमारी बहू रेनू, उनका नाम ही वही है, हमारी बहू रेनू। और देखो करी पत्ता, अरे पत्ता ही है, गमला तो छोटा हो गया, जड़ लंबी हो गई, क्या करूं इसमें। कौन सा वाला गमला छोटा हो गया? ये जड़े लंबी हो गई। पहले आप इसमें कर रहे थे, हाँ, तो आप किसमें करोगे, थोड़े बड़े। ये देखो करी पत्ता ले जा रही हूँ, मेन तो करी पत्ता के लिए आई थी, मुझे अच्छा लगा ये, मैंने कहा मेरे पास है नहीं गेंदा, तो फिर इसको मैं फटाफट कल ट्रांसफर कर दूंगी दूसरे उसमें, बाकी करी पत्ता इसी में रहने दूंगी, इसको ट्रांसफर कर दूंगी गेंदा को ना, तो बस ले जाऊंगी इसको। बहू को बोला बना दो करी पत्ते का एक पौधा, बना दिया। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप्स, और कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से फिट फाइन हेल्दी अपने अपनी फैमिलीज के साथ अपने अपने घरों में होंगे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने डाला, जो मैं 16 अक्टूबर को गई थी गाँव अपने रामनगर, तबीयत तो मेरी यहीं से थोड़ी सी ऐसी थी, हल्का हल्का फीवर रात को चढ़ता था, सुबह नहीं था, दो दिन ही रहे, दामाद जी को छुट्टी नहीं थी, वो गए नहीं, तो उसकी फ्रेंड साक्षी हमारे साथ चली कि चलो मैं चलती हूँ, अगर वो नहीं जा रही सीट है तो हम उसको भी ले गए और अपने गांव की सैर कराई। तो आपने भी करी, कैसा लगा आपको? ये मेरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, जो बड़ा फेमस है, जहाँ आपको शेर, चीते, बब्बर, शेर, जंगली हाथी, हिरन, तरह तरह के ये सब मिलते हैं देखने के लिए, और काफी लोग आते हैं, फॉरनर्स तो बहुत ही आते हैं इधर। तो आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो को, तो हमेशा तो मैं यही डालती हूँ ना कुकिंग से रिलेटेड, तो देखिए आप इंजॉय करिए इस वीडियो को, और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करिए, और इंजॉय करिए इस वीडियो को। तो अभी भी आपको अलर्ट रहना है, कोविड की वजह से बहुत स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि दिवाली एकदम आ गई ना सर पे, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।